रॉयल फार्मर का यूट्यूब चैनल देख रहे सभी मेरे भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। दोस्तों, आज हम आपको लेके आए हैं डीलक्स एग्रो इंडस्ट्री बक्ता भाई का डिस्ट्रिक्ट बठिंडा में, जहां हम आपको दिखाने वाले हैं पैडी थ्रेसर। 1982 से लेकर अब तक डीलक्स एग्रो ऐसी मशीनें बना रहा है जिससे खेती करना पहले से और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। आज हम आपको उसी टाइप की मशीन, ये जो आप देख रहे हैं, दिखाने वाले हैं। ये है पैडी मशीन, मतलब धान झाड़ने का मशीन। ये अपने ऑल इंडिया में मशीन चलती है, हर जगह इसका डिमांड रहता है। और इस मशीन से आप धान और सरसों दोनों फसलों की थ्रेसिंग कर सकते हैं। सारा काम जो है प्लाज्मा कटिंग मशीन से चादर का कटिंग होता है। मशीन की क्वालिटी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मशीन आपको देखने से पता चल जाएगा कि मशीन की क्वालिटी क्या है दूसरी मशीनों में और इस मशीन में क्या अंतर है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं, जहां से हम मशीन को ट्रैक्टर के साथ जोड़ते हैं, इसका हिच। हिच की लंबाई दूसरी मशीनों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है इनका। जो ट्रैक्टर जो हम कहीं भी ज़्यादा मोड़ देते हैं तो मशीन को पलटने का ट्रैक्टर के टायर के साथ जो है खतरा नहीं रहता है। तो इसी हिच के अंदर इन्होंने क्या है कि टूल बॉक्स भी एक दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर जो नीचे में पुली लगाते हैं, इस पुली की खासियत क्या है कि आपको ये फोल्डिंग पुली इसमें मिलता है। कभी भी पुली आपको ऊपर नीचे चेंज करने के लिए आपको हथौड़े तक का ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या है कि ये चार बोल्ट जो है आपको खोल के पुली चेंज हो जाएगी। सारा फोल्डिंग सिस्टम वाला पुली है। और इसमें जो ब्रैकेट लगते हैं, बहुत ही हैवी क्वालिटी के ब्रैकेट दिए हुए हैं, ये आपको देखने से ही पता चल जाएगा। डाई कास्टिंग का ये ब्रैकेट है, बहुत ही हैवी क्वालिटी का इसमें ब्रैकेट दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं जो स्वीप वाला पुली आ जाता है। ये पुली का टूटने का काफ़ी कंपनियों में शिकायत रहता है कि ये पुली टूट जाती है। ये पुली इन्होंने दूसरों से मुकाबले काफ़ी हैवी दिया हुआ है। आगे भी क्या है कि इसमें कुछ टूट फूट ना हो, ये वाला जो एंगल नीचे दिया हुआ है, ये वाला एंगल, इसको भी आप देख सकते हैं डबल करके इसका बीम बना के लगाया हुआ है। जो इसके ऊपर पूरा लोड चलने का इसके ऊपर आता है, ये एंगल टूट फूट जाती थी, इन्होंने यहाँ पर पूरा हैवी कर दिया है। डबल एंगल यहाँ पर ज्वाइंट करके जो है इसमें लगाया हुआ है। यहाँ पर चलना झूलता है, यहाँ पर भी हैवी पाइप दिया है और नीचे में यहाँ पर भी जो है एक बहुत ही हैवी पाइप दिया है जिसके ऊपर अपना सी वाला पुली और इसका ये चलता है। ताजो इस एंगल के ऊपर लोड ना पड़े, इसके लिए इन्होंने यहाँ पर नीचे ये इसका सपोर्ट के लिए बहुत ही हैवी पाइप दिया है। बहुत बार ये होता है कि इस पर ये वाला एंगल चलने के साथ साथ थोड़ा टाइम चलने के बाद ये वाला एंगल जो है टूट जाता है, लेकिन इस मशीन में ऐसा कोई शिकायत आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। डबल फ्राई व्हील का ये मशीन है, एक व्हील इसका आगे है और एक व्हील इसका सबसे पीछे है उस वाला पंखा में। चलता हुआ मशीन में अगर कभी कभार होता है क्या है कि चलना भी अपना जाम हो जाता है, तो इन्होंने यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम जो है दिया हुआ है। यहाँ पर से खोल के आप अंदर में देख भी सकते हैं कि चलना जाम तो नहीं हो रहा है। और यहाँ पर इसमें एडजस्टिंग दिया हुआ है, जब ये सरसों निकालते हैं उसके लिए है, जाल जो अंदर में दिया हुआ है वो बंद हो जाता है, खुल जाता है। ये दोनों साइड में ये क्या है कि एडजस्टिंग इन्होंने यहाँ से दिया हुआ है, इसको टाइट करने से है कि क्या जाल अंदर से ऑटोमेटिक बंद होना स्टार्ट हो जाता है। जाल बंद करने का फ़ायदा ये होता है कि जैसे सरसों का जो है अनाज है वो बहुत बारीक होता है, उसका गुहाई अच्छे से नहीं होता, ताजो यहाँ से जाल बंद करने से है कि उसका गुहाई अच्छे से होने लगता है थ्रेसिंग में और अपना जो है फली में दाना नहीं जाता उसमें लगा हुआ। घर में दोस्तों इन्होंने बहुत बढ़िया सिस्टम दिया हुआ है, जहाँ पर जो पैरा फेंकता है इन्होंने ड्रम अलग कर दिया है यहाँ से, आप देखिए, और पैरा फेंकने वाला अलग कर दिया है। इसका जो तवा है वो अलग साइज़ का है, इसका जो तवा है वो अलग साइज़ का है,
इससे क्या है कि इसका डायामीटर बढ़ गया और जो अपना माल बाहर जो धान का पुआल या जो भी बाहर हम उसका कचरा फेंकते हैं वो काफ़ी दूरी तक जो है इसका ये जाता है। ये देखिए आप, इसको रॉकेट मॉडल भी इस मशीन को हम लोग बोलते हैं। इसका जो है बहुत दूर तक जो है मान के चलिए 35 से 40 फीट तक आप जो है इसका पुआल फेंक सकते हैं। यहाँ पर जो खड़े होके काम करते हैं उसके लिए ये जो स्टैंड दिया हुआ है फोल्डेबल स्टैंड है। बहुत कंपनियाँ जहाँ पर हल्का चद्दर लगा देते हैं, इन्होंने जहाँ पर बहुत हैवी पाइप दिया हुआ है। इसके ऊपर पाइप लगने का फायदा ये है कि एक तो आदमी का पैर नहीं फिसलता, चद्दर से पैर फिसल जाता है, कभी कभार चोट भी लग जाती है, इससे पैर नहीं फिसलता है। जो भी इसके ऊपर हल्का फुल्का कचरा होता है वो जहाँ से नीचे गिरता रहता है, आदमी एकदम से जो है सेफली खड़ा रहता है। इसके ऊपर खड़े होकर आप बहुत आराम से इसमें से अपना फसल लगा सकते हैं और उसका थ्रेसिंग कर सकते हैं। 6 फैन का ये मशीन है और एक इसमें 7वां पंखा आप साइड में भी लगा सकते हैं। ये जहाँ पर अभी जा रहा है उन किसान भाइयों का डिमांड था कि हमको साइड वाला पंखा नहीं चाहिए, इसलिए पंखा हटा दिया गया है। तो साइड वाला पंखा लगाने के लिए यहाँ पर होल दिए हुए हैं, इसमें आप क्या है साइड वाला पंखा भी इसमें लगा सकते हैं। तो ये मशीन 7 फैन हो जाएगी। अभी ये 6 फैन वाला मशीन मैं आपको दिखा रहा हूँ। हर चीज़ का एडजस्टिंग दोस्तों बाहर से दिया हुआ है। ये जितना आप ये लगा हुआ देख रहे हैं ये अपना जो इसका फिल्टर है इसका एडजस्टिंग और आगे वाला फैन का हवा जो है उसका जो प्रेशर है उसको कम ज़्यादा करने का सारा सिस्टम बाहर से दिया हुआ है। अगर आपका कचरा वगैरह इसमें ज़्यादा उठा रहा है तो आप उसको यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पीछे में जो दराज लगा है उसमें भी झिरी देके उसका भी एडजस्टिंग दिया हुआ है। जो कचरा इसमें आएगा वो अपना एक साइड में गिर जाता है। काफ़ी हैवी क्वालिटी का जो ये मशीन है बना हुआ है, इसका साइड से मैं आपको दिखाता हूँ। जो उसके ऊपर का ड्रम है, टोपी है, उसका सीट का थिकनेस देखिए यहाँ से आपको दिख जाएगा। बहुत ही मुझे लगता है ये 10 केज का सीट होगा, बहुत ही हैवी सीट इसमें यूज किया हुआ है। बत्ता भाई का पंजाब का सबसे पुराना कंपनी है जे डीलक्स। हर टाइप की मशीनें बनाते हैं। आज हम सिर्फ आपको इस मशीन की खूबियां दिखा रहे हैं। इसके बाद जो है मल्टी क्रॉप मशीन जो टोकरी मॉडल है वो भी ये लोग बनाते हैं, उसका भी वीडियो हम बना के डालेंगे। और 750/16 का इसमें जो टायर दिया हुआ है, नॉर्मल कंपनियां इसमें 616 का टायर लगाते हैं और इसमें 750/16 का टायर दिया हुआ है। ये दूसरे टायर से बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है टायर, क्योंकि मशीन में वजन भी काफ़ी हो जाता है, काफ़ी हैवी मशीन बना हुआ है, तो उसके चलते जो है टायर भी इसमें काफ़ी हैवी दिया हुआ है। इस मशीन में खासियत यह है कि यहाँ पर ये जो मशीन जा रही है उन्होंने अपना साफट इसमें बोल के बड़ा रखवाया है। अभी वो क्या है कि उनके पास एलिवेटर अपना पड़ा था, यहाँ पर वो जो है इससे अपना पुली उसके साथ हम दे रहे हैं, पुली डाल के अपना एलिवेटर वो इसमें सेटिंग करेंगे ताकि जो उनका अनाज है सीधा टेलर में जाता रहे। हर चीज़ का सुविधा दोस्तों आपको इस मशीन में मिल जाएगा। कंपनी की काम करने की क्वालिटी का हिसाब हम इस बात से लगा सकते हैं कि दोस्तों 1982 से ये लोग जो है थ्रेसर लाइन में ही काम कर रहे हैं, तो पैडी थ्रेसर में मुझे नहीं लगता कि इनका कोई और मुकाबला होगा। बहुत बढ़िया थ्रेसर जो है ये बना रहे हैं और ऑल इंडिया में सप्लाई जा रही है दोस्तों। पैडी थ्रेसर भी बनाते हैं, मक्का भी बनाते हैं, मल्टी क्रॉप, ग्राउंडनट, सब तरह का थ्रेसर बनाते हैं। सबकी एक एक करके वीडियो हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे। आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि जो जैसे जब भी हम कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप जो है बढ़िया से बढ़िया मशीन बढ़िया रेट पर ख़रीद पाएँ और आप अपना पूरा इस चीज़ का लाभ उठा पाएँ।